क्वेश्चन नंबर 14, 14 में क्या कहता है जी, पढ़े 14, 14 में कहता है जी, बेसिल एंड बेन, दो पार्टनर है, बेसिल एंड बेन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 मतलब 3+2 5, तो 3/5 बेसिल का और 2/5 बेन का, 60-40 बन जाएगा। बेसिल रिसीव एन एनुअल सैलरी ऑफ 12,000, नेट प्रॉफिट कितना है मेरे भाई 52,000, हाउ मच वुड बी क्रेडिटेड टू इनकम करंट अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशंस, हाउ मच वुड बी क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर, इसका मतलब दोनों को क्या कुछ मिलेगा। बहुत आसान है भाई, सबसे पहले आप लिखें प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट कितना है बताएं, प्रॉफिट दिया हुआ है 52,000, प्रॉफिट में से सबसे पहले तो माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इस सवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, सिर्फ सैलरी है, तो माइनस करते हैं सैलरी, सैलरी किसको मिलेगी, सैलरी मिलेगी आपको बेसिल को 12,000, 52 में से 12 तो गया, अब कितना बचा है रेजुअल प्रॉफिट 40, और वो जो 40 का प्रॉफिट है डिवाइड हो जाएगा किस रेशो में भाई, बेसिल और बेन, बेसिल का रेशो है 3/5 और बेन का क्या है 2/5, 60-40 कैलकुलेट कर लें, 40,000 का 3/5 तो ये बन रहा है 24,000 शेयर बन रहा है किसका, बेसिल का, 40,000 का 3/5 और ऐसे ही 40,000 का लगा लें 2/5, 16,000 शेयर बन रहा है बेन का। तो हमें ये नहीं बताना है सिर्फ रेजिडुअल प्रॉफिट कितना है, हमें बताना है करंट अकाउंट में टोटल अमाउंट क्रेडिट कितना होगा। तो अब आप देख लें यार, बेसिल को दो चीज़ें मिल रही थी क्या, सैलरी भी बेसिल को मिल रही थी, बिल्कुल, एक तो बेसिल को सैलरी मिलेगी 12,000 और एक शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा 24, तो 24 और 12 को ऐड कर लें तो बेसिल को मिलेगा 36, सही है ना, सैलरी और शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला के, और बैंक को सिर्फ क्या मिलेगा, शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट मिलेगा 16, तो आंसर क्या बन गया, सी आंसर। तो टोटल कितना क्रेडिट होगा करंट अकाउंट में, या वो पूछे टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट बता दो, तो यही आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो वो भी ऐड कर देते, सही है जी।